हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ऑल इन वन वीडियो डाउनलोडर का सोर्स कोड फ्री देने वाले हैं, कंप्लीट रीस्किन करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका डेमो, ये परमिशन को हम अलाउ कर देंगे। इसका इंटरफेस देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। ये डिस्प्ले ओवर अदर एप्स को भी हम अलाउ कर देंगे। अब जैसे देख सकते हैं इसकी होम स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कौन से ऐप्स के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया आपका, फेसबुक हो गया, ये अदर प्लेटफॉर्म है जिसके आपको लिंक यहाँ पेस्ट करना होगा और आप इनकी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट विदाउट लोगो। और इसमें कोई वाटरमार्क भी नहीं होगा जैसे कि आप देख सकते हैं। और आप इसके अंदर 3 एड नेटवर्क लगा सकते हैं। फेसबुक ऑडियंस ऐड भी लग जाएंगे इसके अंदर, और एडमोब के ऐड भी आप लगा सकते हैं, स्टार्टअप ऐप के भी ऐड लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आपका इंडस्ट्रियल ऐड आ चुका है एडमोब का। इसके अंदर आप अगर आप प्ले स्टोर पर इसे पब्लिश करोगे तो आप इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक वीडियो का लिंक डाल के पेस्ट करके एक वीडियो डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं फेसबुक में का एक वीडियो का लिंक कॉपी करके इसके अंदर लिंक पेस्ट करके आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं फिर से आ गया आपका इंडस्ट्रियल ऐड, और आप नीचे भी देख सकते हैं इसमें बैनर ऐड भी शो हो रहा है। अभी ये एमुलेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसके अंदर आपको कोई भी ऐड या वीडियो कोई नहीं शो हो रही है। चलिए मैं आपको एक बार इसके अंदर लिंक पेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ऐड फिर से शो हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्टअप ऐड का भी ऐड शो हो रहा है इसके अंदर। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि इसके अंदर आप वीडियो कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके अंदर मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ फेसबुक का एक वीडियो का। आप कोई भी सर्वर पर क्लिक कर देंगे, ये एडमोब का इंडस्ट्रियल ऐड शो हो रहा था। चलिए हम थोड़ा वेट कर लेंगे, ये थोड़ा टाइम लेगा। आपकी अगर वीडियो ज़्यादा लंबी है या लॉन्ग है तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए हम थोड़ा वेट कर लेंगे जब तक डाउनलोड हो जाती है वीडियो। ये जैसे देख सकते हैं डाउनलोड हो चुकी है, आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। चलिए हम MX Player में स्टार्ट करके देख लेते हैं वीडियो को। न्यू व्यूअर, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो डाउनलोड हो चुकी है, ऐसे ही आप सारे प्लेटफॉर्म की वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं फिर से। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका फ्लैश स्क्रीन देख सकते थे आप, मैंने अपना लोगो लगा रखा है इसके अंदर फ्लैश स्क्रीन में। और इसके अंदर जो आपको ऐप के प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं आप इनकी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट वाटरमार्क के। ये देख सकते हैं इंडस्ट्रियल ऐड भी शो हो रहा है इसमें, और आप वीडियो भी देख सकते हैं जो हमने डाउनलोड करी थी वो भी शो हो रही है। और आप नीचे देख सकते हैं बैनर ऐड भी शो हो रहा है एडमोब का। चलिए अब हम चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे, जहाँ पे आप अपनी कंप्लीट रीस्किन करेंगे। रीस्किन करने से पहले चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपको सोर्स कोड मिलेगा कैसे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है टेलीग्राम से। टेलीग्राम में आपको सारे सोर्स कोड प्रोवाइड हो जाएंगे, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सोर्स कोड पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, तो पासवर्ड आपको वीडियो में कहीं पे भी शो हो जाएगा। तो पासवर्ड डाल के आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में अपनी कंप्लीट रीस्किन कर सकते हैं। चलिए, कुछ व्यूवर टेलीग्राम यूज़ नहीं करते, उनके लिए भी मैंने एक लिंक बना रखा है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर सोर्स कोड मिल जाएगा, अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो। तो चलिए उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कंप्लीट देखना, अगर आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखोगे तो आप पासवर्ड मिस कर दोगे। अगर फिर आप व्हाट्सएप पे और कमेंट में बोलोगे कि प्लीज़ पासवर्ड बता दीजिए, आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं और पासवर्ड पूछते हैं, तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखना, आपको वीडियो में पासवर्ड कहीं पे भी शो हो जाएगा और पासवर्ड सिर्फ 1 सेकंड के लिए आता है, तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट वॉच करना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमोब के ऐड भी शो हो रहे हैं, और स्टार्टअप ऐड के भी ऐड शो हो रहे हैं, और फेसबुक ऑडियंस के भी ऐड शो हो रहे हैं।
steam.xml में आप इन तीनों ऐड नेटवर्क के ऐड आईडी रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आप कॉर्नर पे देख सकते हैं जैसे रेड हो रहा है, रेड शो हो रहा है, लेकिन ये कोई एरर नहीं है। इसमें लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, इस वजह से थोड़ा एरर दिखा रहा है, लेकिन ये एरर नहीं है। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आपको कोई एरर शो होगा इसके अंदर। बस ये थोड़ा रेड शो हो रहा है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। आप चाहें तो इसमें इन्हें भी रीस्किन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं भी करेंगे रीस्किन इन लैंग्वेज को, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ steam.xml को ही एडिट करना होगा, जिसके अंदर आपकी ऐड आईडी और ऐप नेम चेंज करना होगा। बस उसे ज़रूर करना होगा, वो कंपलसरी होगा। और अदर लैंग्वेज में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप नहीं करेंगे तो। चलिए हम सर चलते हैं, अपना पैकेज नेम चेंज करते हैं। सबसे पहले जाएंगे यहाँ से, हम कॉम्पैक्ट से क्लिक करके क्लिक चेकबॉक्स हटा देंगे, ये हमारे नेम अलग अलग हो जाएंगे और पैकेज नेम अलग अलग हो जाएंगे। चलिए हम अपना पैकेज नेम चेंज करेंगे, जावा पे क्लिक करके कॉम पे क्लिक करके ये हमारा पैकेज नेम शो हो जाएगा। इस पर राइट क्लिक करेंगे और रिफैक्टर और रीनेम पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे अपना पैकेज नेम हमें लिखना होगा, फिल करना होगा, और आपको यूनिक पैकेज नेम रखना होगा, जिससे आपको प्ले स्टोर में पब्लिश करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए हमने वीडियो डाउनलोडर फर्स्ट नेम डाल दिया है पैकेज नेम का, और रिफैक्टर पर क्लिक कर दिया है। आपको भी यूनिक नेम कुछ रखना होगा, जिससे आपको रैंक होने में आपकी ऐप को कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे थोड़ा टाइम ले रहा है, ये वेट कर लेंगे हम। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लेगा। चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपको अपना प्ले स्टोर पर पैकेज नेम कैसे सर्च करना होगा, कि आपका जो पैकेज नेम है उस नेम से कोई पहले से तो कोई पब्लिश नहीं है कोई ऐप, तो वो कैसे चेक करेंगे, चलिए आपको मैं वो भी बता देता हूँ। चलिए हम पहले सेकंड नेम भी चेंज कर लेते हैं, इस पर भी राइट क्लिक करेंगे और रिफैक्टर रीनेम पे क्लिक कर देंगे अगेन, और अपना पैकेज नेम देख लेंगे कौन सा फिल करना होगा आपको। चलिए मैं डाल देता हूँ इस पे ऑल वीडियो डाउनलोडर ऐप, ये मैंने फिल कर दिया है। आपको चेक कैसे करना होगा प्ले स्टोर पे कि इस नेम से अगर कोई अदर ऐप पब्लिश है तो आपकी ऐप पब्लिश नहीं होगी प्ले स्टोर पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे चेक करना होगा वो भी। चलिए पहले हम इसको पैकेज नेम को कर देते हैं, नाम रख देते हैं अपनी पैकेज नेम का, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ कि कैसे आप अपनी ऐप का नाम कैसे रखेंगे यूनिक। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कर लेंगे हम। और इस वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और न्यू व्यूअर अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैं फ्री सोर्स कोड प्रोवाइड करता रहता हूँ, इस चैनल पर मिलते रहेंगे आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पैकेज नेम चेंज हो चुका है, इन सब को हम क्लोज कर देंगे और एक बार आ जाएंगे आपके बिल्ड ग्रेडल में, चेक कर लेंगे कि हमारा पैकेज नेम चेंज हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पे भी हमें एक बार चेक करना होता है, तो चलिए हम चलते हैं। चलिए हम चेक कर लेते हैं हमारी पैकेज नेम पे कोई पहले से तो इस नेम से पब्लिश नहीं है कोई ऐप, तो चलिए हम गूगल पे चलेंगे और गूगल पे लिख देंगे गूगल प्ले स्टोर, आ जाएंगे हम इस पे। चलिए हम चेक कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने फेसबुक लाइट का क्लिक करके देखा है इस पे पैकेज नेम, तो हम लास्ट के कॉम के बाद जितना भी नाम होगा हम उसे वहाँ से डिलीट कर देंगे और अपना पैकेज नेम को कॉपी कर लेंगे और अपने प्ले स्टोर पे आ जाएंगे, और यहाँ से हम ये डिलीट कर देंगे इसके पैकेज नेम को और अपना पैकेज नेम पेस्ट करके सर्च मारेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस नेम से अभी तक प्ले स्टोर पे कोई भी ऐप पब्लिश नहीं हुई है, तो हम अपनी ऐप को पब्लिश कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको चेक कर लेना है कि आपके पैकेज नेम पर कोई पहले से ऑलरेडी ऐप पब्लिश हुई है या नहीं हुई है, ये आपको जरूर चेक करना है। अगर आप चेक नहीं करोगे तो आपकी ऐप पब्लिश नहीं होगी प्ले स्टोर पे। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अपनी ऐप का नाम चेंज करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं
steam.xml में आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं steam.xml आ चुका है। इसके फर्स्ट वाले ऊपर सबसे जो फर्स्ट होगा उसी पे हमें क्लिक करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ऐप नेम शो हो रहा है सबसे ऊपर, इसे हमें चेंज करना होगा। चलिए मैं इस नेम को डिलीट करके अपना पैकेज नेम और सॉरी अपना ऐप नेम रख देना है आपको। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना, आपको अपने ऐप का नेम थोड़ा यूनिक रखें जिससे आपकी ऐप को रैंक होने में कोई प्रॉब्लम ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउनलोड आ सकें। चलिए मैंने अपनी ऐप का नेम चेंज कर दिया है और नीचे आप देख सकते हैं स्टार्टअप ऐप के भी ऐड की आईडी आपको रिप्लेस कर देनी है, ऐप के नीचे जस्ट होगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं हम थोड़ा और नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको वन सिग्नल आईडी रिप्लेस करनी होगी। चलिए मैं आपको नेक्स्ट में टॉपिक पे बताऊंगा वो कैसे करना होगा आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक ऐड नेटवर्क के भी आपको यहाँ पे अपनी ऐप आईडी रिप्लेस करनी होगी। सेकंड में बैनर आईडी आप डाल देंगे और थर्ड में इंडस्ट्रियल ऐड की आईडी रिप्लेस कर देंगे। चलिए हम थोड़ा और नीचे आ जाएंगे, नीचे आप देख सकते हैं ऐड मोब के ऐड आपको रिप्लेस करने होंगे। और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं आपको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक भी रिप्लेस करना होगा ऐड मोब के जस्ट ऊपर ये, उसको लिंक को आपको कैसे रिप्लेस करते हैं उसके लिए भी मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा मैं, तो आप प्राइवेसी पॉलिसी भी बना सकते हैं कैसे बनाते हैं कंप्लीट बता रखा है मैंने उसमें। और इसमें आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपने ऐड मोब के ऐड रिप्लेस करने होंगे। यहाँ पे आपको सारे ऐड मोब के ऐड की आईडी रिप्लेस कर देनी होगी। यहाँ पे आपको अपनी ऐड मोब की ऐप आईडी, इंडस्ट्रियल आईडी, रिवार्डेड ऐड, नेटिव ऐड, वीडियो ऐड, ये आपको सारे रिप्लेस कर देने होंगे। और थोड़ा जस्ट नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी रिप्लेस कर देनी होगी आपको। चलिए हम थोड़ा और नीचे आ जाएंगे और देख लेंगे कि हमें और कुछ तो चेंज नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा नीचे आते रहेंगे हम चेक करते हुए, अगर आपको कुछ लगे चेंज करना है तो आप चेंज कर दीजिए। वैसे मुझे लग नहीं रहा इसमें कुछ और चेंज करना होगा। चलिए हमसे कट कर देंगे इस, और इसके अंदर अदर लैंग्वेज है आप उसे भी चेक कर लीजिए। अगर आप उसके अंदर भी एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आएगी आपको, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार सारी लैंग्वेज। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर भी आप अपनी ऐप का नेम भी चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। चलिए इसे हम सबको कट कर देंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। चलिए हम अब इस ऐप के अंदर फायरबेस कैसे लिंक करेंगे वो बताएंगे। एंड्रॉइड पे क्लिक कर देंगे, ऐप पे क्लिक कर देंगे, प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट के बाद ऐप पे क्लिक कर देंगे और ये गूगल जेसन फाइल है इस पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी गूगल जेसन फाइल है। चलिए हम अपनी गूगल जेसन फाइल को कैसे चेंज करेंगे। चलिए हम गूगल पे आ जाएंगे पहले और यहाँ पे हम फायरबेस लिख देंगे और ऊपर वाले लिंक पे जो आएगा उस पे हम क्लिक कर देंगे और गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कर लेंगे हम। जिसके आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है फायरबेस और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे, ऐड ए प्रोजेक्ट। और यहाँ पे अपनी ऐप का नाम लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने लिख दिया है वीडियो। और नेक्स्ट पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और थोड़ा नीचे आएंगे फिर कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ से अपना अकाउंट चुन लेना है, डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा मैं, अभी चाहे तो डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। और जैसे आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट बिल्ड होने लगा है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए मैं न्यू सोर्स कोड प्रोवाइड करता रहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है, कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे और जैसे आप देख सकते हैं, और फिर हम एंड्रॉयड पे क्लिक कर देंगे जो सेंट पे है। और यहाँ पे हमें अपना पैकेज नेम पेस्ट करना होगा, तो चलिए हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। यहाँ से हम अपना पैकेज नेम कॉपी कर लेंगे, चलो मैनिफेस्टो पे आ जाएंगे और यहाँ से हम अपना पैकेज नेम कॉपी कर लेंगे।
और यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे अपनी ऐप का नेम पेस्ट करना होगा। तो चलिए हम चलते हैं stream.xml में आ जाएंगे और यहाँ से हम अपना ऐप का नेम कॉपी कर लेंगे जो हमारी ऐप का नेम होगा। चलिए हमने सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से हम कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल वी से हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमें अपनी SHA1 की डालनी होगी। तो चलिए हम एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं। यहाँ से हम ग्रेडल पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं ग्रेडल पर क्लिक कर दिया हमने। इसे क्लिक करेंगे, ऐप पे क्लिक करेंगे, टास्क पे क्लिक करेंगे, एंड्रॉइड पे क्लिक कर देंगे और ये प्रोजेक्ट साइनिंग रिपोर्ट पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा SH1 की आ चुकी है। इसे हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से और अपने फायरबेस अकाउंट पे आ जाएंगे। यहाँ हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से और रजिस्टर्ड ऐप पे क्लिक कर देंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कर लेंगे हम। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी गूगल जेसन फाइल आ चुकी है, इसे हम क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है, नेक्स्ट क्लिक कर देंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे और कंटिन्यू कंसोल पे क्लिक कर देंगे और अपने गूगल जेसन फाइल पे हम क्लिक करेंगे। ये नोट पैड पर आ चुकी है, इसे हम कंट्रोल ए से और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे हम और अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ जाएंगे। चलिए हम चलते हैं अपने एंड्रॉइड पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से ऐप पे क्लिक कर देंगे। हमारी गूगल जेसन फाइल आ चुकी है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और कंट्रोल वी से अपने गूगल जेसन फाइल को पेस्ट कर देंगे। चलिए हमारी गूगल जेसन फाइल भी कंप्लीट हो चुकी है, इसे हम क्लोज कर देंगे और इसे हम कट कर देंगे। जैसे कि देख सकते हैं हमने इसे हमने क्लोज कर दिया है। और चलते हैं रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ से हम ये यूनाइटेड स्टेट ही रहने देंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। स्टार्ट इन लॉक मोड पे हम रहने देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे लोकल, फिर नेक्स्ट कर देंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कर लेंगे हम। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं फ्री में सोर्स कोड प्रोवाइड करता रहता हूँ। हम रूल पे आ जाएंगे, रूल पे जाके हम मॉनिटर रूल पे हम क्लिक कर देंगे और सॉरी एडिट रूल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फॉल्स की जगह ट्रू कर देंगे दोनों। इसको भी हम ट्रू कर देंगे, परमिशन दे देंगे और पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं पब्लिश हो चुका है हमारा फायरबेस का कंप्लीट लिंक हो चुका है हमारी ऐप से। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा फायरबेस का काम पूरा हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। चलिए आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको सोर्स कोड मिलेगा कैसे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। क्लिक करके ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे आपको सोर्स कोड प्रोवाइड हो जाएगा, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, तो पासवर्ड आपको वीडियो में कहीं पे भी शो हो जाएगा। तो वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखना, अगर आप कंप्लीट नहीं देखोगे तो पासवर्ड मिस कर दोगे। तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखना, आपको वीडियो के अंदर ही पासवर्ड कहीं पे भी शो हो जाएगा। चलिए एक बार हमसे ग्रेडल कर लेते हैं एक बार। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये हो चुका है सक्सेसफुली। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपने। यहाँ पे हम अपना वन सिंगल ऐप को कैसे लिंक करेंगे अपने सोर्स कोड में या ऐप के अंदर, चलिए वो बताते हैं हम। stream.xml में आ जाएंगे हम, फिर से सबसे ऊपर आएगा उसे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा हम स्क्रॉल करेंगे नीचे, थोड़ा नीचे आ जाएंगे। जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका वन सिंगल का लिंक पेस्ट करना होगा आपको या रिप्लेस करना होगा।
चलिए हम इसे क्लोज कर देंगे और अपने गूगल पे आ जाएंगे, यहाँ वन सिग्नल क्लिक कर देंगे और जो सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा उस पर हम क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, गैस स्टार्ट नाउ पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे आ चुका है, जैसे मैंने तो पहले से ही अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, आपको गूगल पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं अपना अकाउंट। मैं अपनी मेल आईडी सेलेक्ट कर लूँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, वेट कर लेंगे हम। जैसे आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है, ऐसे हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा ऐप का नेम रिप्लेस करना होगा, तो इसलिए हम अपना ऐप का नेम यहाँ से कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से और अपने वन सिंगल अकाउंट पे आ जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमें एंड्रॉयड पे क्लिक कर देना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा, जिसके आ चुका है हमारा नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे हमें अपने फायरबेस सर्वर की पेस्ट करनी होगी, तो चलिए हम अपने फायरबेस अकाउंट पे चलते हैं। यहाँ पे हमें क्लाउड मैसेजिंग पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से हमें सर्वर की कॉपी कर लेंगे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से। अपने वन सिग्नल अकाउंट पे आ जाएंगे, आप पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से। यहाँ हमें फायरबेस की सेंडर आईडी कॉपी कर लेंगे, वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम वेट कर लेंगे। जैसे कि देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप आ चुका है, हम सर्वर एपीआई पे क्लिक कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे फिर से। ये जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी वन सिग्नल का लिंक आ चुका है, आईडी आ चुकी है, इसे हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से क्लिक करके और अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ जाएंगे और यहाँ हम अपनी वन सिग्नल आईडी को रिप्लेस कर देंगे। अगर आपको प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक नहीं पता कैसे जनरेट करते हैं, तो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं कि आप प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक कैसे जनरेट करेंगे। चलिए हम इसे क्लोज कर देते हैं और इसे बिल्ड करके देख लेते हैं, कोई एरर शो तो नहीं हो रहा अभी हमारी ऐप के अंदर। पहले क्लियर प्रोजेक्ट कर लेंगे और थोड़ा वेट करेंगे। जैसे हो चुका है हमारा सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए हम बिल्ड करके भी देख लेते हैं कि कोई एरर तो शो नहीं हो रहा हमारा, और वेट कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हो चुका है। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ हम अपने ऐप का आइकन चेंज करेंगे, जैसे कि आपको हर वीडियो में मैं बता चुका हूँ कैसे चेंज करते हैं। आपको राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक कर देना है और फिर इमेज एसेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ हमें अपने पाथ सेलेक्ट करना होगा, जहाँ पे हमारी इमेज या लोगो रखा होगा हमें वो सेलेक्ट करके ओके कर देना होगा। चलिए मैं ढूंढ लेता हूँ हमारा, मैंने कोई लोगो नहीं बना रखा, मैं अपना यूट्यूब का लोगो ही पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट कर रहा हूँ, लोगो सेलेक्ट कर लूँगा और इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं एडजस्ट होने के बाद एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट होने के बाद आपको यहाँ पे भी देख लेना है, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुआ है सही से। आपको सारे लोगो चेक करने होंगे जहाँ पे हमारे हमारे लोगो शो हो रहा होगा, उन सबको एडजस्ट करना होगा और नेक्स्ट कर देंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम अपना ऐप के कलर चेंज कैसे करेंगे वो बता देते हैं। चलिए हम आ जाएंगे अपने वैल्यूज़ पे क्लिक कर देंगे और कलर्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आपके ऐप में जितने भी कलर हैं वो शो हो जाएंगे, जैसे कि रेड है, मैं यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट कर लूँगा। जहाँ जहाँ रेड शो हो रहा होगा मैं वहाँ पे ब्लू सेलेक्ट कर लूँगा, जिससे आपकी थोड़ी थीम चेंज हो जाएगी कलर की, जैसे कि देख सकते हैं मैंने चेंज कर दिया है। जहाँ जहाँ रेड है मैंने वहाँ ब्लू सेलेक्ट कर दिया है और देख लेंगे कहीं पे और शो तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। चलिए हम चलते हैं अपने फ्लैश स्क्रीन चेंज कर लेंगे, ड्राइवर में आ जाएंगे,
शो इन एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देंगे या हम ड्राइवर में क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपकी सारी इमेज आ जाएगी जो आपकी ऐप के अंदर यूज़ हो रही है। यहाँ पे आपको जो इमेज चेंज करनी हो वो चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह आपको अपनी कस्टमाइज करनी होगी। अगर चाहे तो आप कस्टमाइज़ करके रिप्लेस कर सकते हैं इमेज, और इसका साइज यही रहने देना है आपको। चेक कर लेंगे पहले साइज, और इसका नेम, नेम भी आपको यही रखना है और साइज भी। चलिए हम यहाँ से चेंज कर लेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपनी हम फ्लैश स्क्रीन कैसे चेंज करेंगे वो बता देते हैं। चलिए हम लेआउट में आ जाएंगे और यहाँ पे हमें एक्टिविटीज फ्लैश स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कोई लोगो शो नहीं हो रहा है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और अपना लोगो देख लेंगे, यहाँ पे शो हो रहा है तो इसे हम क्लिक कर देंगे। ये हमारी फ्लैश स्क्रीन भी चेंज हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं, और चेक कर लेंगे कि हम कहाँ कहाँ में आपको ये लेआउट में सारी डिपेंडेंसी चेक कर लेनी है सबकी, कि कहीं पे आपको लोगो लगाना है तो वहाँ पे आप मैनुअली भी लगा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, अपने अपने ऐप का एपीके जनरेट कैसे करेंगे वो बता देते हैं। बिल्ड पे क्लिक करके जनरेट साइन बंडल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमें चेक करना है आपको ऐप बंडल क्रिएट करना है कि एपीके। चलिए हम एपीके जनरेट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से हमें अपना की पाथ सेलेक्ट करना होगा, तो चलिए हम न्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम लोकेशन चेक कर लेंगे कि कहाँ पे अपना की ये पाथ कहाँ पे फिल करना होगा, या फिर लोकेशन देख लेंगे कि हमें कहाँ पे अपना लोकेशन रखनी होगी ये पाथ की। चलिए हम देख लेते हैं। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आपको अगर एप्लीकेशन अपडेट करनी होगी तो आपको इस चीज़ को सेव अच्छी जगह रखना होगा, नहीं तो आप अपनी एप्लीकेशन अपडेट नहीं कर पाओगे दोबारा। चलिए हम लोकेशन देख लेते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे फोल्डर को और अपनी पाथ का नाम डाल के नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड फिल करना होगा। जब आप अपडेट करेंगे अपनी ऐप को तो ये पासवर्ड डालेंगे सिलेक्ट करके। तो चलिए मैं चारों में सेम पासवर्ड फिल कर देता हूँ। और एलियास में आप नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको एलियास का क्या नाम रखना है, या फिर आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर ना नाम फिल कर दीजिए स्टेप बाय स्टेप। ऑर्गेनाइजेशन आपकी कोई है, कंपनी है या कुछ है तो आप वो नाम डाल सकते हैं, मेरा कुछ नहीं है। तो चलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल का नाम ही फिल कर दिया है, या आप लोकेशन डाल सकते हैं। चलिए मैंने दिल्ली डाल दिया है, या आप स्टेट डाल दीजिए अपनी। चलिए मैंने दिल्ली ही डाल दिया है यहाँ पे आपको डेमो के लिए दिखाने के लिए। यहाँ पे कंट्री कोड आ जाएगा आपका, मैंने IN लिख दिया है। चलिए मेरा पासवर्ड गलत बता रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, सेम पासवर्ड नहीं है। तो चलिए मैं फिर से अपना पासवर्ड रीफिल कर देता हूँ दोनों को, और ओके पे क्लिक कर देता हूँ एक बार फिर से। ये फिल हो चुका है, ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ये फिर से गलत बता रहा है। चलिए मैं ऊपर के भी दोनों को सेम पासवर्ड फिर से रिफिल कर देता हूँ, ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है, चलिए मैं इसे भी चेंज कर देता हूँ। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी लोकेशन और चेक करनी है कि आपको ये सही से सेव करना होगा, नहीं तो आप अपनी एप्लीकेशन अपडेट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया पासवर्ड डाल के। चलिए हम फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और जनरेट पे क्लिक कर दूंगा सेलेक्ट करके, और दोनों चेकबॉक्स पे क्लिक और फिर फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। ये हमारा एपीके जनरेट होने लगा है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो चलिए हम थोड़ा वेट कर लेंगे। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और न्यू व्यूअर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैं फ्री सोर्स कोड प्रोवाइड करता रहता हूँ इस चैनल पे, और आपको सारे सोर्स कोड टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके सारे सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ वीडियो भी होगी, आपको वीडियो भी कंप्लीट देखनी होगी, उसी में आपको पासवर्ड मिलेगा, क्योंकि ये सारे सोर्स कोड पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे ये सारे सोर्स कोड। जिसके आप देखते हैं हमारा एपीके जनरेट हो चुका है, लोकेशन पे हम देख लेंगे कहाँ पे हमारी एपीके जनरेट हुआ है। जैसे आप रिलीज पे क्लिक कर देंगे, ऊपर
देख सकते हैं जैसे ये रिलीज है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ये हमारा एप्लीकेशन जनरेट हो चुका है। इसे आप प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं।